Very good morning, dear students. So this will be your first zoology lecture of the class 11th for your upcoming NEET exam. So in the first lecture, we will start from the second chapter, that is the biological classification. Now before starting with this particular chapter, first we will discuss the certain terms related with the classification, and then we will start with the protista. So the meaning of that particular word biological, so this you have understood, it is related to the living organisms, biological meaning. Now that meaning of that word classification. Now the just English dictionary meaning of that classification, it is the arranging into classes or categories, you can say. Also you can say act of distributing things into classes or categories of the same type. So classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on easily observable characters. So, एक बार अपन क्या देखते हैं इसका सिंपल सा मीनिंग है वो देखते हैं एंड उसके बाद में वी विल डिस्कस कि व्हाई देयर वाज ए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया जिससे आप किसी भी चीज को किसमें क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को आप ग्रुप कर सकते हो किसमें, इनटू convenient categories based on the easy observable characters. Now first we will discuss the certain terms. For example, why there is a need of classification. तो जैसे अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही अपन लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट की क्या होती है कि अलग अलग वहां क्या होता है अलमीरा होती है. तो फॉर एग्जांपल यदि अपने को रिक्वायरमेंट है किसी बुक की, मान के चलो कि अपने को यू कैन से जो कोर्डेट्स है उसके अपने को बुक के रिक्वायरमेंट है तो वहां पर लाइब्रेरी में जाएंगे अपन तो वहां से क्या होगा, वहां से एक अलग वहां से एक यू कैन से अलमीरा होगा जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, जूलॉजी बुक्स उसके ऊपर लिखा होगा, उसमें एक पोर्शन और उसमें क्या लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा होगा एनिमल किंगडम, उसमें क्या लिखा होगा फिर कोर डेटा. तो यू कैन इजिली गो देयर टू दैट पर्टिकुलर अलमीरा एंड यू कैन इजिली पिकअप दैट पर्टिकुलर बुक फॉर द कोर डेट्स. अब मान के चलो कि ऐसा नहीं होता है और जो भी एक लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में ऐसे ही रैंडमली कहीं पे फिजिक्स का बुक लगा है, कहीं पे यू कैन से हिस्ट्री का लगा है, कहीं पे पॉलिटिकल साइंस का लगा और ऐसे ही वहां पे बीच में क्या रखा है आपका एक कोर डेट का बुक रखा है. तो आप जाओगे और आपको वो रिक्वायर्ड बुक चाहिए, ठीक है, एंड यदि वहां पे भी सिस्टमेटिक तरीके से वो बुक्स अरेंज नहीं होंगी तो आपको वहां पे उस बुक को निकालने में आपको काफी मशक्कत वहां पे करनी पड़ेगी. ठीक है, अब यहीं पे यदि इस चीज को अपन अप्लाई करें, कहां पे अपन अप्लाई करें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि यदि कोई भी आपके पास में एक नया ऑर्गेनिज्म यदि फाइंड आउट हुआ है और उस नए ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर सब ग्रुप में आपको रखना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वो जो आपके पास में एक नया ऑर्गेनिज्म है उसके आपको करैक्टर्स मालूम होने चाहिए. करैक्टर्स कब मालूम होंगे, जब आप उसकी स्टडी करोगे. अब स्टडी करने के लिए क्या होगा, पहली चीज आप क्या देखोगे, भैया वो जो आपके पास में नया एक इंडिविजुअल आपने एक आइडेंटिफाई किया है वो दिखता कैसे है, उसका फॉर्म कैसा है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे कि वो जो आपके पास में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा इसको आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में आप रख पाओगे. ठीक है, अब एक छोटा सा यदि आप देखें जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यदि आप उसका डाटा देखें तो वहां पर इफ यू सी द नंबर ऑफ स्पीसीज, तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप डाटा यहां पे देखो तो यहां पे वर्ल्ड का जो 2017 का डाटा है यहां पे आप देखो द टोटल
स्पेसीज कितनी है, प्रोटिस्टा को और एनिमेलिया को, एनिमल किंगडम को आप मिला दो कितनी है अप्रोक्स, यू कैन से कितनी हो गई 15 लाख, क्या हो गया डिफरेंट स्पीसीज हो गया। इंडिया में देखें तो कितना परसेंटेज है, 6.49% किसका है, इनका प्रोटिस्टा को और एनिमेलिया का है। इसमें आप देखो पर्टिकुलरली फॉर एग्जाम्पल हाइएस्ट किसमें मिलता है, हाइएस्ट किसमें मिलता है, आर्थ्रोपोडा में मिलता है। इंडिया में कितना है, 6.05% है, और आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा किसका होता है, इंसेक्टा का होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इतने सारे डाइवर्स जो पहले से आइडेंटिफाइड क्या हैं, पहले से आइडेंटिफाइड जो भी स्पीसीज हैं, इसका मतलब उनके जो करेक्टर्स होंगे, उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनकी जो अनाटमी होगी, उनका जो हिस्टोलॉजी होगा, इट वॉज ऑलरेडी नोन। अब जो भी ऑलरेडी नोन, जो आपके पास में कोई स्पीसीज है, कोई आपके पास में इंडिविजुअल है, ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर मान के चलो कि अपने पास में एक फिश डिस्कवर हुआ है, और पहले से क्या है, पहले से आपने पढ़ा होगा कि जो कोर डेटा है उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, उसके अंदर पाइसीज अपन पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फिशेज इंक्लूड होती हैं। अब वो जो अपने नया एक इंडिविजुअल जो एक फिश की तरह दिखता है, अब उसको यदि को आपको क्लासिफाई करना होगा कि मेरे को इसको कहाँ रखना है, मेरे को इसको पाइसीज में रखना है या मेरे को इसको फिशेज वाले ग्रुप में इसको रखना है, तो पहले जो आपके पास में इंडिविजुअल हुआ है उसके आपको करेक्टर्स हैं वो क्या करने पड़ेंगे, आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया कि फॉर एग्जांपल जूलॉजी में अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं कि जो भी यू कैन से फाउंडेशन है साइंटिफिक जूलॉजी का, वो किसके अंदर है, वो मोर्फोलॉजी में है, अनाटमी में है, हिस्टोलॉजी में है और एम्ब्रोलॉजी में है। सारी चीजों को आपको नॉलेज होगा तभी आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्या कर पाओगे, किसी पर्टिक्युलर ग्रुप या सब ग्रुप में क्या कर पाते हो, उसको क्लासीफाई कर पाते हो। ठीक है, जैसे पहला जो अपना पार्ट आता है कि फर्स्ट जो पार्ट हो गया, बिफोर बिफोर अटेम्प्टिंग द क्लासिफिकेशन इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टूड कि जो भी आपके पास में एक नया इंडिविजुअल है, नया ऑर्गेनिज्म है, उसका आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट थिंग दैट इज द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो किससे डील करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसका फॉर्म कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी क्या हो गया, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि मॉर्फोलॉजी क्या हो गया, किससे डील करता है, एक्यूरेट एग्जामिनेशन ऑफ दी विच करेक्टर्स, इंटरनल करेक्टर्स और एक्सटर्नल करेक्टर्स। सो मॉर्फोलॉजी डील्स विद दी एग्जामिनेशन ऑफ दी एक्सटर्नल करेक्टर्स, ऑफ दी एक्सटर्नल करेक्टर्स ऑफ दी पर्टिक्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देके देखें, फॉर एग्जाम्पल कि जो बॉडी है उसका डिवीजन कैसे है, हेड है, ट्रंक है, टेल है, नेक है, ठीक है, तो डिवीजन ऑफ द बॉडी कैसा है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल लिम्स कितने हैं, ठीक है, जो लिम्स हैं उनका पोजिशन कहाँ पे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोरेक्स पे है, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन पे है, सो नंबर एंड पोजीशन, नंबर एंड पोजीशन ऑफ दी लिम्स। उसके अलावा डिस्कस करें फॉर एग्जाम्पल जो स्किन है उसका करेक्टर कैसा है, सो करेक्टर्स ऑफ स्किन। ठीक है, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ माउथ, आईज, ईयर्स, ठीक है, बाकी सब चीजों को अपन डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया कौन सा कि किसी भी इंडिविजुअल को मोर्फोलॉजिकली अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन अकेला मोर्फोलॉजी से आप किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी ग्रुप में आप नहीं रख पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि बात करें कि बाहर से दिखता है ऐसा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, किसी में ओपन है, किसी में क्लोज्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो यदि आप किसी भी इंडिविजुअल का क्या करते हो, यदि इंटरनल स्ट्रक्चर आप स्टडी करते हो, तो वो कौन सा हो गया, दैट इज कॉल्ड अनाटमी। ठीक है, तो अनाटमी का मतलब क्या हो गया कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैज टू बी स्टडीड इन दी प्रिसाइज फॉर्म, वेरियस ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, स्टोमक हो गया, उनका आप इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हो तो वो किस में आता है, वो अनाटमी में आता है। ठीक है, मैंने बोला है, सिर्फ मैंने बोला है क्या स्ट्रक्चर,
मैंने माइन्यूट स्ट्रक्चर नहीं बोला है। फॉर एग्जाम्पल डाइसेक्शन करते हैं, डाइसेक्शन में अपन देखते हैं कि भैया ये क्या हो गया, ये हार्ट हो गया, इसका पोजिशन यहाँ पे है, ये ब्रेन हो गया, ठीक है, ये स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, आइज हो गया, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल अपन ऑर्गन लेते हैं, मान के चलिए कि स्टोमक लेते हैं, स्टोमक का अपन डाइसेक्शन करते हैं, और डाइसेक्शन में उसका एक सिंपल सा छोटा सा पीस लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं एंड उस एक छोटे से पीस की माइन्यूट स्ट्रक्चर क्या है, तो ये बेटा किसमें डिस्कस करेंगे, इट विल बी डिस्कस्ड अंडर द ब्रांच कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी में दोनों में क्या डिफरेंस है कि एनाटॉमी के अंदर क्या डिस्कस करते हैं, जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, वेरियस ऑर्गन्स हैं उनका क्या डिस्कस करते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या डिस्कस करते हैं, एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल देखें तो उनका प्रिसाइज फॉर्म क्या है एंड पोजीशन क्या है। तो दिस इज द सेकंड एनाटॉमी एंड द थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी का अपन क्या करते हैं कि यू कैन से यूजिंग द माइक्रोस्कोप्स क्या करते हैं अपन, जो भी अपने पास में वेरियस पार्ट्स हैं, तो ऊपर वाले में तो क्या डिस्कस किया, ऑर्गन डिस्कस किए हैं, उसमें ऑर्गन्स का कोई पार्ट होगा, वेरियस पार्ट्स, ठीक है, वेरियस पार्ट्स क्या करते हैं, दे आर एग्जामिन यूजिंग द माइक्रोस्कोप एंड क्या स्टडी करेंगे, उनकी माइन्यूट स्ट्रक्चर है, माइन्यूट स्ट्रक्चर किसका हो गया फॉर एग्जाम्पल वेरियस टिश्यूज। ठीक है, तो टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको आप क्या बोल सकते हो, सिंपली उसको आप हिस्टोलॉजी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में कोई नया आपने ऑर्गेनिज्म एक आपने ढूंढा है, तो आप क्या देखोगे उसका बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है, उसके वेरियस ऑर्गन्स हैं उनका पोजिशन क्या है, वो कैसे दिखते हैं, अल्टीमेटली आप माइक्रोस्कोप से जो टिश्यूज हैं उनके क्या करते हो, आप उनकी स्टडी करोगे। एंड लास्ट फॉर्म आपके पास में क्या हो गया, आप ये डिस्कस करोगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका जाइगोट से लेकर के उसका अडल्ट तक उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, दैट यू विल आल्सो स्टडी, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो अर्लियर टाइम में एम्ब्रियोलॉजी को यू कैन से इतना उस पर फोकस नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ोगे इन द इनवर्टिब्रेट्स देर इज वन इनवर्टिब्रेट एनिमल कोल्ड बार्नेकल्स, और बार्नेकल्स क्या होते हैं कि जो यू कैन से सिप्स वगैरह चलती हैं, अल्टीमेटली क्या होगा उसके बॉटम से वो क्या करते हैं, अडहेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं वो। तो पहले क्या था कि जो यू कैन से दिस बार्नेकल्स इट वॉज प्लेस्ड इन दी मोलस्का, ठीक है, तो कैरोलस लीनियस था, उसको लगा कि जो भी इसके करेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, सारा का सारा किससे मिलता है, मोलस्का से मिलता है। तो उसने क्या किया, उस बार्नेकल्स को स्नेल के साथ में प्लेस कर दिया। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया वोगन थॉमसन, उसने क्या किया, उसने इसको किसमें प्लेस कर दिया, ही प्लेस्ड दीज बार्नेकल्स इनटू द ग्रुप कॉल्ड क्रस्टेशिया, ठीक है, जो क्रेब हैं, श्रिम्स हैं, वाटर फ्लीज हैं, उनके साथ में उनको प्लेस किया। ठीक है, वो कब मालूम चला, ये मालूम चला कि उसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जायगोट से लेकर के और अडल्ट तक जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उन्होंने देखा कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट किससे रिजेंबल कर रहा है, वो क्रस्टेशिया से रिजेंबल करता है, ना कि मोलस्का से रिजेंबल करता है। ठीक है, तो इसमें एम्ब्रियोलॉजी में क्या करते हैं, हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो चेंजेस होते हैं अंडरगोन बाई एनिमल्स फ्रॉम यू कैन से जाइगोट टू दी अडल्ट। ठीक है, तो यदि अपने को साउंड नॉलेज है, इफ वी आर हैविंग द गुड नॉलेज अबाउट दी मॉर्फोलॉजी About the morphology,
then the anatomy, then histology, then embryology, then only we can proceed to arrange the various animals into groups and subgroups. ठीक है, तो तभी अपन क्या अटेम्प्ट करेंगे, देन ओनली वी कैन अटेम्प्ट दी क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो आपको नॉलेज होगा किसी भी इंडिविजुअल का, तभी आप जो ऑलरेडी फॉर्म्ड स्पीसीज हैं या जो ऑलरेडी फॉर्म्ड जो वेरियस जो यू कैन से ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, तभी क्या कर पाओगे आप उनमें उसको प्लेस कर पाते हो. तो अपन सबसे पहले, नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड व्हाट आर द वेरियस सिग्निफिकेंसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी उसको पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नीड. सो ये तीन चीजें, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नीड क्या है एंड अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इन द लास्ट उसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो नीड फॉर द क्लासिफिकेशन दैट वी विल डिस्कस, नीड फॉर क्लासिफिकेशन फर्स्ट थिंग. ठीक है, अब मान के चलिए कि आपके पास में 1000 मेंबर्स हैं और वो जो 1000 मेंबर्स हैं वो सारे दिखने में एक जैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, एनाटॉमी भी एक जैसी है, हिस्टोलॉजी भी एक जैसी है. तो यदि आप वन बाय वन सभी को यदि स्टडी करते चलोगे तो इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ ईयर्स. इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए आप ये करते हो कि अल्टीमेटली क्या होता है कि आप किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी करते हो और सिंगल ऑर्गेनिज्म को आपने स्टडी कर लिया, इसका मतलब ये होगा जो भी आपके पास में 1000 आपके पास में इंडिविजुअल्स हैं सभी के कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल स्पीसीज के अंदर क्या होता है, स्पीसीज के अंदर जो भी यू कैन से इंडिविजुअल्स आप रखते हो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है कि आपने एक को पहचान लिया इसका मतलब आपने सबको पहचान लिया. तो स्पीसीज में क्या बोलते हैं, टू नो वन इज टू नो ऑल. एक को जान गए इसका मतलब सबको जान गए. तो पहला ये हो गया कि आपने किसी को भी क्लासिफाई आपको करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप सबको स्टडी नहीं कर सकते हैं, नॉट एबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि जिस टाइम पे टैक्सोनॉमी स्टार्ट हुआ था, क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, सिस्टमेटिक्स स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे यदि इतने सारे, अभी आप डिस्कस किया कि कितने सारे स्पीसीज हैं, ऑलमोस्ट 1500,000 स्पीसीज हैं, सबको यदि एक एक करके ठीक है सभी मेंबर्स को स्टडी करने लग गए तो आज तक वो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता और शायद आगे भी कभी नहीं होता. ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि सभी को इंडिविजुअली एक एक ऑर्गेनिज्म को अपन स्टडी करें. तो जिनके कैरेक्टर्स रिजेंबल हो रहे हैं उनको आपस में आपने एक ही ग्रुप, उसमें बाद में आपने सब ग्रुप में उसको डाल दिया. इसका मतलब सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली वी हैव टू स्टडी द सिंगल ऑर्गेनिज्म. उसको आपने देख लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके जैसे हैं, उनको सभी को अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, सेकंड क्या हो गया कि विदाउट क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कांट बी आइडेंटिफाइड. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आपके पास में ऑर्गेनिज्म है यदि पहले से क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा है, मान के चले कि ये कोरेटा का एग्जांपल लें तो आपने क्या कर दिया, पाइसीज, देन एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, देन एविज ऑन एंड देन मेमेलिया. आपने पहले से क्या बना रखे हैं, 5 ऐसे आपने क्या बना रखे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आपने बना रखे हैं. अब यदि ये क्लासिफिकेशन नहीं होता और आपके पास में एक नया इंडिविजुअल आपने आइडेंटिफाई किया है तो उस इंडिविजुअल को आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे. फॉर एग्जांपल यदि आपको पहले से नहीं मालूम है कि इसके जो ऐसे जो कैरेक्टर्स होंगे, इसके पास में मान के चलिए गिल्स इसके पास में प्रेजेंट होंगे, इसके पास में फिंच इसके पास में प्रेजेंट होंगे, तो किस में रखेंगे इसको, पाइसिस में रखेंगे इसको.
यदि मान के चलिए कि अपने को ये मालूम नहीं है कि जो फोर लिम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मॉडिफाई किसके अंदर हो गए हैं, वो यू कैन से जो विंग्स हैं उसमें मॉडिफाई हो गए हैं, हैंड लिम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, उसके अंदर बीक प्रेजेंट है, तो उसमें किसमें रखते हैं, उसको बर्ड्स में रखते हैं। तो पहले से अपने को क्लासिफाई नहीं कर रखा है, पहले से अपने को कोई आइडिया नहीं है डिफरेंट करेक्टर्स का। इसका मतलब जो भी आपने एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है, एक नया ऑर्गेनिज्म आपने आइडेंटिफाई किया है, उसको आप क्या नहीं कर पाओगे, उसकी आप डिटेल्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, और उसको आप पर्टिकुलर ग्रुप या सब ग्रुप में आप उसको अरेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले से क्लासिफिकेशन है, तभी आप जो नया आपने आइडेंटिफाई किया है उसकी आप करेक्टर्स आप उसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। नाउ थर्ड वन कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, दे आर नॉट फाउंड इन वन लोकेलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा तो है नहीं, जैसे अपन देखा था परसेंटेज इंडिया में कितना है, अप्रोक्स 7% है टोटल जो स्पीसीज प्रेजेंट है, किसकी, एनिमेलिया की और किसकी, प्रोटिस्टा की, तो उसमें तो 7% ही मिलती हैं, बाकी की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में मिलती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अब मान के चलिए कि किसी कंट्री ने एक नया इंडिविजुअल मिला है और उसने क्या कर दिया, उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या हो गया, उसने उसको पर्टिकुलर एक कैटेगरी में उसको रख दिया उसने। अब मान के चलिए वैसा ही आपके पास में एक नया इंडिविजुअल एक इंडिया पे आइडेंटिफाई होता है, अब यदि आप उसके सारे दोबारा वही करोगे कि दोबारा उसकी क्या करोगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे आप, अनाटमी पढ़ोगे, हिस्टोलॉजी पढ़ोगे, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, दोबारा क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया, तो आप क्या करोगे, जो पहले से क्या है, जो भी यू कैन से जो भी एक इंटरनेशनल बना रखा है, IUCN जो बना रखा है, वहां आप क्या स्टडी करोगे, भैया क्या ऐसा एक नया इंडिविजुअल फाइंड आउट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें कि मान के चलिए कि हरियाणा में एक नया इंडिविजुअल मिला है, एक कहाँ मिला है, फॉर मान के चलिए कि अंडमान निकोबार में मिला है, तो आप कहाँ देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ZSI है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, हर साल क्या करता है, एनिमल डाइवर्सिटी का एक क्या करता है, वो एक एनुअल रिपोर्ट वो क्या करता है, यू कैन से वो जारी करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी डिफरेंट स्पीसीज हैं, यदि वो अलग अलग जगह फाइंड आउट होती हैं और किसी ने एक ने उसको आइडेंटिफाई कर रखा है पहले से, किसी यू कैन से वेरियस ग्रुप्स में उसको लोकेट कर रखा है, अरेंज कर रखा है, इसका मतलब आपको अलग से उसको स्टडी करने की, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी उसकी दोबारा स्टडी करने की आपको रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, ठीक है। इसका आप वैसे भी ले सकते हो कि मान के चलिए कि एक स्पीसीज यहां प्रेजेंट है, इंडिया में प्रेजेंट है, एक स्पीसीज कहां प्रेजेंट है, US में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यदि दोनों स्पीसीज वो जो अलग अलग होंगी और पहले से कोई क्लासिफाइड होगा वैसा ही करेक्टर कोई स्पीसीज, तो वो दैट विल बी ईजी टू अरेंज दिस पर्टिकुलर न्यू इंडिविजुअल इनटू द ऑलरेडी फॉर्म्ड ग्रुप एंड द सब ग्रुप, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो ईच जो इंडिविजुअल होगा दैट विल बी कैपेबल ऑफ एक्यूरेट डेफिनेशन, क्लासिफाई नहीं होगा, क्लासिफिकेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगेन आपको एक नए तरीके से, एक नए सिरे से आपको सारी स्ट्रक्चर्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि वहां पे भैया ऐसा कोई इंडिविजुअल है, उसको आप कौन से ग्रुप में आप उसको प्लेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्यों नीड है, दैट इज नोइंग दी इंटर रिलेशनशिप, और यू कैन से इवोल्यूशनरी टेंडेंसी। अब देखो इसका मतलब क्या है, नोइंग द इंटर रिलेशनशिप, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक इंडिविजुअल होगा, उस इंडिविजुअल का दूसरी जो स्पीसीज होंगी उसके साथ में उसका कैसा रिलेशनशिप है, या उसको ऐसे स्टडी करें कि वो जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। अब मान के चलिए कोई आपके पास में ऐसा इंडिविजुअल मिला है विच रिजेंबल्स विद दी, फॉर एग्जाम्पल विद दी कैनोडर्मेट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर दिया, आपने उसको वहां पे प्लेस कर दिया। अब यदि आप उसके करेक्टर्स मैच करते हो, ठीक है, तो जब करेक्टर्स मैच करो किससे मिलेंगे, वो इकानोडर्मेटा से मिलेंगे,
और इकाइनोडर्मेटा है अल्टीमेटली किससे इवोल्व हुआ होगा वो, ठीक है, आपने पढ़ा है किससे, मोलस्का है, वहां से इवोल्व हुआ है। मान के चलिए कि आपके पास में एक मिल गया ऐसा फिश, आपके पास में मिल गया, जो फिश क्या है अल्टीमेटली क्या होता है, उसके अंदर लो फिन्स होते हैं और अपने आप को क्या करता है वो ड्रेक कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, जब ड्रेक करके वो बाहर आ रहा है पानी से बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कौन सा करेक्टर हो गया, उसके अंदर एम्फीबियंस वाले करेक्टर हो गया, उसके पास में फिन्स प्रेजेंट हैं, उसके पास में गिल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। वाटर के अंदर क्या करता है वो रेस्पिरेशन करता है, वहीं पे क्या करता है वो एगले करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, उसमें करेक्टर्स कौन से हो गए, उसके अंदर करेक्टर्स कौन सा हो गया, पाइसीज वाला उसके अंदर क्या हो गया, करेक्टर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके जो डिफरेंट यू कैन से ग्रुप्स हैं, पाइसीज हो गया और एम्फीबियंस हो गया, उसके दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उस इंडिविजुअल का, ठीक है। या डिस्कस करें फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस है कोई, तो वो एम्फीबियंस कहां से इवोल्व हुआ, वो एम्फीबियंस पाइसीज से इवोल्व हुआ है। तो यदि आपके पास में पहले से क्लासिफाइड नहीं है, पहले से आपके पास में करेक्टर्स नोन नहीं है कि पाइसीज के करेक्टर्स ये हैं, एम्फीबियंस के करेक्टर्स ये हैं, और आपके पास में कोई नया आपके पास में ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ है, तो यदि आपके पास में पहले से करेक्टर्स नोन नहीं है, तो आप उसका जो इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है वो आप शो नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे बाद में पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल कई सारे कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है, रेप्टाइल्स और एवीज के क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं कुछ करेक्टर्स उसके अंदर कॉमन होते हैं। तो यदि आपको एवीज का ही नहीं पता, यदि आपको रेप्टाइल्स का ही नहीं पता है, तो जो आपके पास में एक नया इंडिविजुअल आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि एक कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। और ना आप ये साबित कर पाओगे कि जो एवीज हैं, जो बर्ड्स हैं, देवर इवोल्ड फ्रॉम दी रेप्टाइल्स, और आपके पास भी करेक्टर्स नोन नहीं होंगे, तो आप ये भी साबित नहीं कर पाओगे कि जो पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स, उनका जो इवोल्यूशन है, उनका जो ओरिजिन है, दैट वाज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो बिना करेक्टर, बिना मॉर्फोलॉजी, बिना अनाटमी, बिना हिस्टोलॉजी, बिना एमरोलॉजी आप क्लासिफाई नहीं कर पाओगे, और क्लासिफाई नहीं कर पाओगे तो अल्टीमेटली जो एक इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है, जो एक इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में मान लो आप, डिफरेंट सब ग्रुप्स में मान लो आप, डिफरेंट स्पीसीज में मान लो आप, वो आप यू कैन से उसको स्टडी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ दी यू कैन से पॉइंट्स जिससे क्या है, जिससे क्या है कि वाई देर वॉज ए नीड फॉर दी क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ दी नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया, जरूरत क्यों पड़ी, डिफरेंट जो यू कैन से एनिमल्स हैं उनको क्या करने की, उनको क्लासिफाई करने की, ठीक है। नाउ दी नेक्स्ट थिंग, द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स द वेरियस ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो भी आपके पास में स्पीसीज हैं, जो भी आपके पास में मोस्ट पॉसिबल जो भी आपने स्पीसीज फाइंड आउट की हैं, उनको क्या करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब कैसे करोगे, जब आप उसकी मोर्फोलॉजी, अनाटमी, हिस्टोलॉजी, एमरोलॉजी क्या करोगे, आप उसकी स्टडी करोगे। तो पहला कौन सा हो गया, फर्स्ट इज दी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्पीसीज। नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, तो एक तो आपके पास में जितने भी पॉसिबल टाइप ऑफ स्पीसीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिस्क्राइब करना। दूसरा क्या हो गया, जो भी नया आपके पास में एक एनिमल आइडेंटिफाई किया है, प्रीवियसली नोन जो करेक्टर्स हैं, तो प्रीवियसली नोन जो भी स्पीसीज हैं या जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनसे क्या सिमिलरिटीज हैं, उनसे क्या डिससिमिलरिटीज हैं, उनके हिसाब से उनको अरेंज करना किसमें, वेरियस कैटेगरीज में। तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सेकंड क्या हो गया, अरेंज अरेंज स्पीसीज इन अरेंज स्पीसीज इन वेरियस कैटेगरीज ऑन दी बेसिस ऑफ ऑन दी बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑन दी बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिस
सिमिलरिटीज। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि जो भी नया अपने पास में इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हुआ है, जो नया एक एनिमल आइडेंटिफाई हुआ है, उसको अपन क्या करें, इजीली क्या हो सके, उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। सो इजी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू इवोल्व फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी एक नया इंडिविजुअल है उसका इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ होगा। ठीक है, जैसे एम्फीबियंस को बात करें तो उसका फाइलोजेनी क्या हो गया कि पाइसीज है, पाइसीज का अल्टीमेटली पाइसीज से एम्फीबियंस कैसे बने होंगे, फिर पाइसीज का इवोल्यूशन कौन से एंसेस्टर से हुआ होगा, रेप्टाइल्स हैं वो कैसे इवोल्व होंगे, कौन से एंसेस्टर से वो इवोल्व होंगे, तो अल्टीमेटली एक जो स्पीसीज होता है उस स्पीसीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ है फ्रॉम ए एंसेस्टर, वो किसमें डिस्कस करते हैं, उसको अपन किसमें डिस्कस करते हैं, उसको फाइलोजेनी में क्या करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दीज आर दी वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ लास्ट इसमें क्या पढ़ते हैं, इन द एंड वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज द सिग्निफिकेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, यदि आपके पास में मिलियंस हो, आपके पास में ऑर्गेनिज्म है, तो सबको पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, तो आपने क्या किया है, आपने एक जो एनिमल है उसका आपने स्टडी कर लिया, तो एक को स्टडी कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, बाकी जो रिमेनिंग एनिमल्स हैं उनका क्या हो गया, आपको एक आइडिया हो गया। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि रैबिट का स्टडी कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी जो मेमल्स हैं, जो भी या यू कैन से एनिमल्स हैं जो क्लास मेमेलिया में आते हैं, उनको आपको क्या हो गया, नॉलेज हो गया। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, फर्स्ट इज द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी। ठीक है, सेकंड क्या हो गया कि यदि आपको डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पता है, तो वो जो एनिमल्स हैं उनका दूसरे एनिमल स्पीसीज के साथ में कैसा रिलेशनशिप है या एफिनिटी है, जो डिस्कस कर चुके हैं अपन इंटर रिलेशनशिप, वो क्या हो गया, दैट इज सेकंड सिग्निफिकेंस नॉलेज ऑफ एफिनिटीज। ठीक है, एफिनिटीज का मतलब क्या हो गया, रिलेशनशिप इसका किसके किसके बीच में, तो द नॉलेज अबाउट रिलेशनशिप और एफिनिटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स विद अदर एनिमल स्पीसीज। ठीक है, और ये नॉलेज कहां से आएगा, द क्लासिफिकेशन होगा, तभी आप दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्या कर पाते हो, बीच में आप एफिनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा सिग्निफिकेंस क्या हो गया, ये बाकी जो ऊपर अपने पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव और नीड, वहीं से सिग्निफिकेंस बने हैं, तो क्या हो गया, दैट इज अबाउट द नॉलेज ऑफ सिक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो स्पॉन्जेज हैं, पोरीफेरेंस हैं, उनका सिंगल सेल प्रोटोजोआ से इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ है। ठीक है, एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये कैसे मालूम चलेगा, यदि आपने पहले से ऑलरेडी कोई फाइंड आउट की हुई स्पीसीज हैं, यदि उनको अपने क्लासिफाई कर रखा है, तभी आप जो सीक्वेंस है इवोल्यूशन का वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल से आप याद रखो, एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि प्रोटोजोआ से पोरीफेरेंस हैं उनका कैसे इवोल्यूशन हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल जो एनिमल्स हैं इन द एनेलिडा, उनसे जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड सिग्निफिकेंस। फोर्थ सिग्निफिकेंस इज अबाउट द नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, जो डिस्कस किया था कि बीच में क्या होता है, कई सारे ट्रांजिटरी स्टेज होती हैं, कि जो दो ग्रुप के एनिमल्स होते हैं उनके जो ट्रांजिटरी स्टेट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। भैया कुछ करेक्टर्स हैं वो प्रीवियस वाले ग्रुप के भी होते हैं और कुछ जो नेक्स्ट हायर जो ग्रुप है उसके भी उसमें होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है आपको, कनेक्टिंग लिंक से आपको क्या मालूम चलता है, सिक्वेंस मालूम चलता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जो डेफिनेट पोजिशन है
वो आप उससे मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्कस किया था कि आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, तो उसके अंदर रेप्टाइल्स के करेक्टर्स भी थे, उसके अंदर एवीज के करेक्टर्स भी थे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो एवीज हैं, जो बर्ड्स हैं, उनका जो इवोल्यूशन है वो किससे हुआ था? रेप्टाइल्स से। तो आपको एक सिक्वेंस मिल गया कि भैया पहले कौन आए थे? रेप्टाइल्स, और उसके बाद में कौन आया? एवीज या बर्ड्स। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक क्या हो गया? इट इज दी ट्रांजिटरी स्टेज बिटवीन दी टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स। क्या बोलते हैं उसको? कनेक्टिंग लिंक उसको बोलते हैं। फिफ्थ क्या हो गया? सिग्निफिकेंस। दिस इज अबाउट दी नॉलेज ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि क्लासिफाई कर रखा है किसी भी एनिमल को, तो कुछ ऐसे करेक्टर्स अपन डिस्कस कर सकते हैं उससे, जिससे उसको एनवायरमेंट में अडेप्ट होने में हेल्प मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं कि इसको प्लेटीहेलमिंथीज पढ़ते हैं, वहां पे अपन क्या पढ़ते हैं? वहां पे अपन क्या पढ़ते हैं? टेपवर्म वहां पे पढ़ते हैं। तो टेपवर्म के कुछ कैरेक्टर्स अपन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है? एंडोपैरासाइट होता है, और इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अल्टीमेटली जो इनसाइड जो बॉडी होता है उसमें उसको यू कैन से वहां पे सर्वाइव करने के लिए वो हेल्प करते हैं, अडेप्ट करने में उसको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या प्रेजेंट होते हैं? हुक्स प्रेजेंट होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है उसमें जो नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो कहाँ से मिल जाता है? बॉडी सरफेस से मिल जाता है। एलिमेंट्री कैनाल उसमें एबसेंट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या? वहाँ पे काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन वहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मान के चलिए आपने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच आपने क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया कि भैया क्या होते हैं इसके अंदर? आर्थ्रोपोडा में आता है जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, तो आपने उसको आर्थ्रोपोडा में रख दिया। आपने कॉकरोच को स्टडी किया कि उसके अंदर क्या है? काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, तो आप क्या स्टडी करोगे अडेप्टेशन में? कि भैया यदि काइटिन का बना हुआ यदि उसके पास में एक्सोस्केलेटन है, इसका मतलब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे एडवर्स क्लाइमेट है वहां से क्या नहीं होगा? हार्ड कवरिंग वो बनाता है, जहां से जो बॉडी का जो मॉइस्चर है वो क्या नहीं होगा? इवेपोरेट नहीं होगा, डेसिकेशन वाली कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, तो यदि पहले से आपको कैरेक्टर्स मालूम है तभी आप उन कैरेक्टर्स को आप स्टडी कर पाओगे विच हेल्प the animals into the adaptation to the particular environment. ठीक है, and last one is the knowledge of phylogeny. ठीक है, तो phylogeny का मतलब वही हो गया कि animals of one group are evolved from a common ancestor. जैसे अपन पढ़ते हैं कि जो जितने भी ऑल एनिमल्स हैं किसके? क्लास मेमेलिया के। वो कहाँ से इवोल्ड हुए हैं? वो एक कॉमन एंसेस्टर से वो इवोल्ड हुए हैं। ये क्या हो गया? फाइलोजेनी हो गया। ठीक है, तो एनिमल्स ऑफ वन ग्रुप आर इवोल्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर इज नोन थ्रू क्लासिफिकेशन बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। ठीक है, तो एंसेस्टर क्या है उसका? वो आप यदि आपके पास में पहले से क्लासिफाइड कर रखा है तभी आपको क्या करेगा? उसके आपको करेक्टर्स मालूम होंगे और आपको ये मालूम चलेगा कि हाँ भैया इसका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो वहाँ पे कैसा है। जैसे अपन डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल जब अपन पढ़ते हैं एम्ब्रियो किसका, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम पाइसिस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एवीज एंड मैमल्स, देन वी विल डिस्कस कि जो सर्टेन एक स्टेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, उस टाइम पे सभी के पाँचों एम्ब्रियो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? उनका जो ओरिजिन हुआ होगा, उनका जो इवोल्यूशन हुआ होगा, उसका एक क्या रहा होगा? उसका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ठीक है, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड व्हाट आर द वेरियस सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। और वो करेक्टर्स को आपने कैसे ऑब्जर्व किया है? आपने मॉर्फोलॉजी से किया है, आपने एनाटॉमी से किया, आपने हिस्टोलॉजी से किया, और आपने एम्ब्रियोलॉजी से उसको किया है। ठीक है, सो इट इन द एंड वी विल राइट द नाउ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ विच एनीथिंग is grouped into convenient categories based on
बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, सो बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम दी दिस वेरियस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन।